हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जन झारखंड। आज मैं आप सभी लोगों से बात करना चाहूंगी 10th और 12th के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, स्पेशली उन बच्चों से जिनका इस साल 2018 में 10th और 12th का रिजल्ट आ गया है। और अगर जितने भी बच्चे हैं जिनका रिजल्ट 10th और 12th में जितना एक्सपेक्टेशंस था उन एक्सपेक्टेशंस से कम आया है, तो प्लीज आप डीमोरलाइज या डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि 10th और 12th तो बस पहला स्टेप है आपके करियर के तरफ, और एक रिजल्ट आपकी पूरी करियर आपका लाइफ नहीं डिसाइड करता है। आपने जितना किया, अगर इफ यू हैव ट्राइड योर लेवल बेस्ट, ठीक है, तो इसके बाद आपका रिजल्ट ये कहता है, अगर आपका एक्सपेक्टेशन से कम है, इट मींस कि वो आपको ये बताना चाहता है कि आप और बेटर कर सकते हो, और आपके लाइफ में आपको ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जब आप अपने पेरेंट्स को, अपने सोसाइटी को, अपने रिलेटिव्स को अपना टैलेंट प्रूव करके दिखा सकते हो। तो अगर आपका रिजल्ट खराब आया है ना, तो प्लीज़ बच्चों आप डिमोटिवेट मत हो और कोई भी रॉन्ग डिसीजन ना लें। मेरा ये वीडियो बनाने का मन तब हुआ जब मुझे ये पता चला कि न्यूज़ में कि मेरा जो होम टाउन है धनबाद, वहाँ पे एक बच्चे ने अपना इंटरमीडिएट का रिजल्ट खराब आने की वजह से पानी के टंकी के ऊपर से सुसाइड कर लिया। आई वॉज रियली वेरी मच सरप्राइज कि एक बच्चे के दिमाग में ऐसा कैसे आ सकता है। बहुत बार हम अपने रिलेटिव्स के क्या कहेंगे, रिजल्ट खराब है, सोसाइटी क्या कहेगी, ये सारी चीज़ें सोच के हम काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, और कभी कभार ऐसा ये भी लगता है कि हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे। बट लिसन, आप जो ये इस तरह के अगर गलत डिसीजंस लेते हैं कि चलो सुसाइड कर लेते हैं या फिर घर छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है, आपका रिजल्ट जितना आपके पेरेंट्स को हर्ट करेगा ना, उससे 100 times better, 100 times more आपका इस तरह के गलत डिसीजंस आपके पेरेंट्स को हर्ट करेंगे और जिनका कोई भरपाई नहीं हो सकता है। अगर आपका 10th का रिजल्ट और 12th का रिजल्ट खराब हुआ है ना, तो आप अपने ग्रेजुएशन में उससे बेटर करके, उससे अच्छी क्वालिटी, उससे 100 times better जॉब लेके, जो कि आपसे ज़्यादा अच्छा स्कोर करने वाला नहीं ला पाया, आप और ज़्यादा मेहनत करके आप वो जॉब लेके आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हो। लेकिन आप अगर इस तरह के अगर डिसीजंस लेते हो ना, तो आप ऐसा नहीं है कि अब सोसाइटी पहले जितना कहती ना उससे ज़्यादा कहेगी, और मेरी मानो तो सोसाइटी का तो यार काम ही होता है कहना, बिकॉज एवरी टाइम दे वांट अ टॉपिक, ठीक है, कुछ ना कुछ चाहिए होता है उनको डिस्कशन करने के लिए। तो आप सोसाइटी के बारे में सोचते हुए इस तरह के गलत डिसीजंस ना लें, ठीक है, आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है अच्छे और बेटर डिसीजंस लेने के लिए। और मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगी जिनके बच्चे उनके एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स लाए, दैट प्लीज़ बी विद देम। अगर आप अपने बच्चों को सपोर्ट करोगे तो ना ही वो आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाएंगे, बल्कि उससे ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। आप उनको हमेशा सपोर्ट करो मोरली, और हमेशा उनको कहो कि कुछ नहीं, जो हो गया इट्स ओके, दैट इज़ द पास्ट, आप फ्यूचर में उससे ज़्यादा बेटर कर सकते हो। और आपका सपोर्ट आपके बच्चे को बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी और ऊंचाइयों को हासिल करने में मदद करेगा। प्लीज़ अपने बच्चों को कभी भी अपने रिलेटिव्स के बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करें, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। अगर हम एग्जांपल लें कि क्या हाथी या फिर शेर, दोनों के अलग अलग फीचर्स है, दोनों में एक अलग स्पेशलिटी है, ठीक है, तो वी कांट कंपेयर ना, सबकी अपनी एक स्पेशलिटी होती है, सबकी एक अपना प्लेस होता है। तो आप कंपेयर करके अपने बच्चों को कभी भी डिमोरलाइज नहीं करें। आगे तो बहुत बड़ी लाइफ पड़ी हुई है जहां आपको हर टाइम पे अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप पहले ही इतने छोटी छोटी चीज़ों में डिमोरलाइज और डिमोटिवेट हो जाओगे, तो फिर आगे की लाइफ कैसे हैंडल करोगे। तो प्लीज़ ये आपको सिखाता है अपने सिचुएशन को, स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, आप इस चीज़ को हैंडल करो, आपके आगे पूरी फ्यूचर पड़ी हुई है, यू कैन डू मोर बेटर। प्लीज़ कोई भी गलत थिंकिंग अपने दिमाग में ना लाएं, और जितने भी पेरेंट्स वर्किंग है, आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडली रहें, ताकि आपके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है आप सारी बातों को जान सकें, और दोनों
एक दूसरे के फीलिंग्स को कि आप उस अपने बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं, आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं, एक बॉन्डिंग इस्टेब्लिश करें ताकि कोई भी बच्चा आप कोई गलत डिसीजन ना ले सके। मैं मानती हूँ कि आपका काम बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस काम से भी कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जिसके लिए ये काम कर रहे हो, मतलब आपके बच्चे, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, उनको समझाएं कि कोई बात नहीं, अगर खराब हो गया रिजल्ट तो हो गया, इट्स ओके। मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ हुई होगी बच्चों से, लेकिन आप उन गलतियों को सुधारें और नेक्स्ट टाइम उस बच्चे से और बेटर करवाएं। और जिन बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया है, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर वेरी ब्राइट फ्यूचर। आप लोगों के आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर है, और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करें और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाएं। और जिनका थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, उनके उनको भी ऑल दी वेरी बेस्ट। आपने अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, आप अपने करियर के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करें अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए। एंड प्लीज ऑलवेज बी मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। इंसान के विल पावर के आगे कुछ नहीं है, अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और हमेशा अपने आगे के लाइफ के तरफ देखिए, पीछे मत देखा कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स, प्लीज बी मोटिवेटेड, ऑलवेज बी हैप्पी, बिकॉज नो वन लव्स यू एंड केयर अबाउट यू मोर देन योर पेरेंट्स। सो प्लीज बी हैप्पी, ऑलवेज स्माइल एंड डू योर बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जन जागरण। थैंक यू सो मच।